ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली संसद भवन में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक है और बैठक के बाद अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे कांग्रेस के नेता और सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के बर्ताव और इसके साथ ही ईडी की पूछताछ के सिलसिले में ये मुलाकात होगी। और इसके बाद AICC में भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो इसमें हिस्सा लेंगे और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। दिल्ली पुलिस के बर्ताव और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ पर आगामी रणनीति पर चर्चा होगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो पांचवें दिन भी दिल्ली में ही है और यहां रहकर वो कांग्रेस कैंपेन को पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया गया था जिन्हें कई घंटे बाद यहां पर छोड़ा गया और अब उसी के विरोध में यहाँ पर ये पूरी बैठक जो है होने वाली है। तमाम जो चर्चे होंगे इन मुद्दों पर चर्चा होगी और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोहर बिश्नोई हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, बेहद अहम ये बैठक हो जाएगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे, कैसे आगे की रणनीति क्या तय होगी, जरा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का जिस तरीके से 3 दिन का पूरा जो कैंपेन चला और प्रोटेस्ट चला उसके बाद आज राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ नहीं है, इसको लेकर के अब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 3 दिन में घटनाक्रम हुआ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसको लेकर के कांग्रेस अभी भी आक्रोशित है और कांग्रेस के नेता है आज संसद भवन में एक बैठक की और बैठक के बाद में सांसदों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार और जिस तरीके से बर्ताव था उसको लेकर स्पीकर से शिकायत करेंगे। साथ ही एक तुगलक लेन थाने में भी FIR दर्ज करवाई है। तमाम जो पुलिस अधिकारी थे कांग्रेस मुख्यालय में घुस करके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, इस तमाम चीजों को देखते हुए ये आज की एक कार्रवाई रहेगी। और 10:30 बजे के बाद में सीनियर नेताओं की ICC में एक बैठक बुलाई गई है, उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या रहेगी। जैसा कि 17 जून को कल यानी कि कल राहुल गांधी को फिर ईडी ने तलब किया है पूछताछ के लिए, तो इसको देखते हुए कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है वो कितना आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा। जिस तरीके से आज राजभवन का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है उसी तरीके से कल का क्या कार्यक्रम रहेगा तमाम सीनियर नेता आज तो बैठक होने वाली उस बैठक में मिलकर के तय करेंगे। जी बिल्कुल मनोहर, जैसे कि आपने बताया कि कुछ देर बाद स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, तो इन नेताओं में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं इसमें? अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता है उनके नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के लोकसभा सांसद है वो पार्लियामेंट में बैठक कर रहे हैं। अभी बैठक करके अभी तुरंत बाहर निकल के और विजय चौक पर मीडिया से भी रूबरू होंगे और उसके बाद सीधे जो वो स्पीकर से मिलने जाएंगे। जी चलिए मनोहर, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बेहद अहम ये बैठक आज होने वाली है और इससे पहले संसद भवन में बैठक होगी, उसके बाद AICC में भी अहम बैठक होने वाली है। तमाम जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो इस बैठक में शामिल होंगे और आगे कैसे क्या कुछ रणनीति तय होनी है उस पर लेकर चर्चा करेंगे।